यहाँ पे भाजपा लगभग 3 चुनाव जीतते आ रही है, तो ऐसे में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, शलभ जी के प्रति बहुत उत्साह है। मैं भी उनके साथ चला हूँ पिछले महीने और पिछले हफ्ते भी, और मेरे हिसाब से ये एक तरफी जीत होगी हमारे लिए, भाजपा के लिए। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने जो काम इस दिशा में किया है और पिछले कुछ महीनों और सालों में जो किया है वो अद्वितीय है। अब हम लोग हल्दी, चीनी, इन सब की मिलें लाएँ यहाँ पर, क्योंकि यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि को लेके हम लोग आगे बढ़ें, एक तो ये मुद्दा। इसीलिए शलभ जी का जो यहाँ पर अभी प्रचार है, जो विचार है, जो उनका आचार है, ये बहुत सार्थक है। जब हम आम लोगों से बात करने जाते हैं तो आम लोग भी ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सरकार को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है। पूर्वांचल में इस प्रकार का एक तरफा विकास, जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री खुली है, यहाँ पर चीनी मिल की भी बात हो रही है, उसमें मैं भी संलग्न हूँ, कई चीज़ें हो रही जो कि पहले कभी हुई ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही साथ एक ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बनाएं। राशन की ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड भागा नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसको किसी और राजनीतिक तौर पे ना देखें, इसको इस तौर पे देखें, लाखों लोगों को भला किया भाजपा ने इस कार्य को करके। आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले तक योगी सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आती है उसको आधा कर दिया है, और विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि अभी 5 सालों तक मोटी कमाई या मोटी रकम उठाई और अब जब चुनाव आ गया है तो जो है बिजली का दाम आधा कर दिया। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया ज़िले के देवरिया विधानसभा में, देवरिया सदर में हम लोग मौजूद हैं। हमारी चुनावी यात्रा जो है यहां पे विधानसभा कवरेज के दौरान निकली थी, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशांक मणि जी मौजूद हैं और जागृति उद्यम केंद्र के संस्थापक भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सदर विधानसभा क्षेत्र देवरिया के क्या स्थिति है। यहाँ पे भाजपा लगभग 3 चुनाव जीतते आ रही है, तो ऐसे में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे अछूते रह गए हैं इस विधानसभा में, जो अगर फिर से भाजपा सरकार आती है तो वो चीज़ पूरी होती नज़र आएगी। बहुत बहुत स्वागत सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि टिकट की दावेदारी कर रहे थे आप, हालांकि टिकट नहीं मिला, लेकिन भाजपा के नेता हैं, कैसा लग रहा है प्रचार प्रसार में जब लोग जा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है जनता से? देखिए, शलभ जी के प्रति बहुत उत्साह है। मैं भी उनके साथ चला हूं पिछले महीने और पिछले हफ्ते भी, और मेरे हिसाब से ये एक तरफी जीत होगी हमारे लिए, भाजपा के लिए। उसके कई कारण हैं। शलभ जी एक बड़े अच्छे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, यूथ हैं, और उसी के साथ साथ भाजपा की जो दृष्टिकोण है उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो तीनों तरफ से मेरे हिसाब से जो लहर है इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में, एक तरफा है। ये उपचुनाव हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसमें भी भाजपा को जीत मिली और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी वहाँ यहाँ से हारे, अब पथरदेवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लगातार 3 बार से चुनाव, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी अछूते रह गए इस विधानसभा में, अब फिर से भाजपा सरकार आती है या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में अगर भाजपा फिर से जीतती है तो वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आएंगी? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। किस कारणवश भाजपा यहाँ पर 3 बार जीती है और आगे का क्या काम होना चाहिए? पहले तो पहले प्रश्न का जवाब देता चाहता हूँ कि देखिए, पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में जो विकास की लहर भाजपा लाई है वो कोई पार्टी नहीं ला पाई है। इससे देवरिया विधानसभा में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने जो काम इस दिशा में किया है और पिछले कुछ महीनों और सालों में जो किया है वो अद्वितीय है। और मेरे हिसाब से इसमें 3-4 बिंदु मैं गिनाऊंगा। एक तो जो लोगों के बीच में एक उमंग आई है कि एक ऐसे नेता हैं मोदी जी और एक ऐसे नेता हैं योगी जी जो दिन रात काम कर रहे हैं अपने प्रजनों के लिए, एक तो ये। दूसरा, जो स्कीमें आई हैं, उज्ज्वला हो चाहे अन्य स्कीमें हो, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। तीसरा, जो 1 district 1 product जिसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ उससे भी प्रभाव पड़ा है। और चौथा, मेरे हिसाब से जो एक शक्तिशाली राष्ट्र की निर्माण की बात हो रही है उससे भी लोग प्रभावित हैं। अब आती बात कि यहाँ पर ऐसे कैसे मुद्दे हैं। देखिए, कोई भी जगह कुछ न कुछ विकास के मुद्दे तो छूटते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, भाजपा प्रतिबद्ध है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हूँ कि इस क्षेत्र में हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग, जैसे कि पहले चीनी की बात होती थी, अब हम लोग हल्दी, चीनी, इन सब की मिलें लाएं यहाँ पर, क्योंकि यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि को लेके हम लोग आगे बढ़ें, एक तो ये मुद्दा। दूसरा, मेरे हिसाब से जो आधुनिक शहरीकरण हुआ है अन्य जगह पर, वहाँ पर भी हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसमें एक नए देवरिया का मुहिम मैंने छेड़ा था 3-4 साल पहले, मेरी आशा है कि आने वाले वर्षों में हम उसको पूरा करेंगे। तीसरा मुद्दा, मेरे हिसाब से जो महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में बात करी है कई लोगों ने, उसको भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा,
देखिए देवरिया सदर का संकेत इस पूरे क्षेत्र में जाएगा। यह विधानसभा एक ही विधानसभा नहीं, इसका जो मोल्ला पूरे एरिया में जो हमारे पांचों विधानसभा जिसके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ उसमें जा रहा है। और इसीलिए शलभ जी का जो यहाँ पर अभी प्रचार है, जो विचार है, जो उनका आचार है, ये बहुत सार्थक है। अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाए तो कांग्रेस जो है ज़्यादा बेहतर मुखरता से जो है इस विषय पे या फिर इस खास विषय पे, महिला सशक्तिकरण के विषय पे ज़्यादा मुखर होकर सामने आई है, क्योंकि 40% आरक्षण देने की बात हो तो सबसे पहले कांग्रेस ने बात करी और कहीं ना कहीं वो इस विधानसभा चुनाव में वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो उस विषय पर तो हम बात करेंगे, साथ में ये आपसे जानना चाहते हैं कि प्रदेश में केंद्र में दोनों जगह सरकार रही और कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है, और जब हम आम लोगों से बात करने जाते हैं तो आम लोग भी ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सरकार को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। नहीं देखिए, जो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है वो सरासर सही है, और इसके लिए मैं कुछ प्रमाण भी देना चाहूँगा। जितना एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र में और इस पूरे अंचल में बना है पिछले 2-3 साल में ही, मैं समझता हूँ उतना कभी नहीं बना है। जिस प्रकार का आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के आसपास किया है वो कभी मैंने पूर्वांचल में देखा नहीं। तो मैं पूरी यूपी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन पूर्वांचल में इस प्रकार का एक तरफा विकास, जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री खुली है, यहाँ पर चीनी मिल की भी बात हो रही है, उसमें मैं भी संलग्न हूँ, कई चीज़ें हो रही जो कि पहले कभी हुई ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ये एकदम बेफजूल का इल्ज़ाम है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ पर प्रगति हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही साथ एक ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बनाएं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि शलभ जी, मैं यहाँ पर स्थानीय रोज़गार के लिए तत्पर हूँ, इसके लिए मैं भी एक सेंटर खोल रहा हूँ जिसके दरवाजे मई में खुल जाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो दिल्ली और लखनऊ में हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका प्रयास हो, जब सबका प्रयास होगा एकजुट होकर लोग आगे चलेंगे, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। मेरा पूरा विश्वास है भाजपा भी उसमें जुड़ेगी। और जैसे नए देवरिया की बात हो रही है, जैसे ये एक चीनी मिल की बात हो रही है, एग्रो प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इसमें यहाँ के लोगों का प्रयास बहुत सार्थक होगा, इसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। लेकिन कई बार जब हम लोगों आम लोगों से बात करते हैं तो उनका ये मानना होता है कि भाजपा सरकार कई मुद्दों पे फेल रही है, लेकिन अभी जिस बदौलत पे जो है राजनीति हो रही है वो राशन के मुद्दे पे हो रही है। अभी कुछ दिन दो तीन महीने पहले से डबल राशन का स्कीम आ गया है, तो एक महीने में 2 बार राशन मिल रही है। क्या लगता है कि अभी की जो राजनीति चल रही है राशन के बदौलत ज़्यादा वोट पाने की? देखिए, राशन की एक और डिमांड है कि कोविड से बड़ी क्षति हुई है, चाहे कुछ भी कहिए, पूर्वांचल में जितना ज़्यादा आप समझते हैं पलायन हुआ था उतना ज़्यादा वापसी हुआ, फिर पलायन हुआ, फिर वापसी हुआ। तो इस स्थिति में अगर आप लोग राशन नहीं देंगे तो बगावत भी हो सकती है। तो जो मोदी जी ने किया है, जो योगी जी ने किया है, वो सार्थक है। राशन की ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड भागा नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसको किसी और राजनीतिक तौर पर न देखें, इसको इस तौर पर देखें, लाखों लोगों को भला किया है भाजपा ने इस कार्य को करके। और यूपी में जिस प्रकार से कोरोना को पिछड़ा गया है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको संभालना कोई आसान काम नहीं। ब्राज़ील से बड़ी कंट्री है ये एक तरह से, तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। ये अलग बात है कि उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी स्वरोजगार से कैसे औरों को आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। ODOP प्रोग्राम जो मुख्यमंत्री जी ने किया वो इसी संदेश को लेकर आया है। चुनाव आते हैं तो मैनिफेस्टो की बात भी आती है, और तमाम पार्टियां जो है अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने घोषणा पत्र, चाहे संकल्प पत्र, चाहे गारंटी पत्र के थ्रू अलग अलग स्कीमें, लेकिन इस समय की जो राजनीति चल रही है, लोग फ्री की स्कीमें ज़्यादा निकाल रहे हैं। पार्टियां 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की जाए, या फिर कांग्रेस की तरफ से गाय का गोबर जो है प्रति 2 रुपये किलो खरीदने की बात हो जाए, या अलग अलग तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश या फिर फ्री करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले, आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले तक योगी सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आती है उसको आधा कर दिया है, और विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि अभी 5 सालों तक मोटी कमाई या मोटी रकम उठाई, और अब जब चुनाव आ गया है तो जो है बिजली का दाम आधा कर दिया गया है, किस हिसाब से डिफेंड करेंगे? नहीं देखिए, जनता भी समझदार है, और उसमें 3 वर्ग हैं जनता में। एक तो समृद्ध वर्ग है, मान लीजिए लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता का, एक दूसरा वर्ग है जो मैं समझता हूँ कि कुछ वर्ग गोरखपुर में, देवरिया में भी है, लेकिन एक तीसरा वर्ग है जिसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, अभी भी है। अब उसका टाइमिंग, जो आप आलोचना आपकी टाइमिंग की है, मैं समझ रहा हूँ उसको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि हम लोग इस एरिया में काम नहीं करेंगे तृतीय वर्ग के लिए तो यह समाज ढह जाएगा। तो कोविड के बाद जो उन्होंने किया वो सही किया है, इसको आप लोग राजनीतिक तौर पे न रखिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितना हम लोग अनुदान देते हैं उसी के साथ साथ स्वाभिमान
और बल बल की बात होनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज एकजुट होकर एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर रोज़गार और स्वरोजगार आए, तो वो दूसरे चरण की बात है जो कि एकदम जिनको भूख है प्यास है उनके पास शायद वो नहीं, उनके पास फ्री बिजली की ज़रूरत है, तो दोनों वर्ग को अलग अलग सुविधाएँ देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी जागृति उद्यम केंद्र की बात बारे में बात कर रहे थे, कुछ उसके विषय में बताइए और किस क्षेत्र में काम करने की जो है अनुकंपा आप लगा रहे हैं। देखिए, जागृति उद्यम केंद्र की स्थापना लगभग 2008 में हुई, क्योंकि 2008 में मैंने एक जागृति यात्रा की स्थापना की। जागृति यात्रा, जैसा मैं बता रहा था आपके कोलीग्स को, उसमें हम लोग एक पूरी रेल यात्रा करते हैं। 19 बोगी की ट्रेन चलती है, मुंबई से चलती है, दक्षिण जाती है, कन्याकुमारी जाती है, फिर उसके बाद मदुराई, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम, बहरामपुर, नालंदा, देवरिया। देवरिया ही एकमात्र जगह है दोस्तों जहाँ पर वह ट्रेन एक रात को रुकती है, अन्यथा हम लोग रात को चलते हैं, ट्रेन में ही सोते हैं। तो देवरिया में ही हम लोग एक सेंटर बना रहे हैं। उसके बाद का जो रूट है देवरिया से दिल्ली, दिल्ली से तिलोनिया, से साबरमती और साबरमती से वापस मुंबई, विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, सबसे बड़ी रेल यात्रा, और इसका अनुकरण 4-5 देशों में किया गया है। और वही वटवृक्ष जहाँ से लोग रहते हैं एक रात को, उसी के बगल में हम लोग उद्यम केंद्र बना रहे हैं। बहुत विशाल का केंद्र है, 6 एकड़ की ज़मीन हमने अधिकृत की है पिछले 3-4 साल में, और उसमें आज की तारीख में करीब करीब लगभग 12 करोड़ का एक सेंटर बन गया है, और उसमें हम लोग 40 और करोड़ ला रहे हैं ताकि एक विशाल का पूर्वांचल के लिए सार्थक सेंटर बने। उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय ये है कि यहाँ का जो नवयुवक है, ये यहाँ की जो महिला है, उसको रोज़गार प्रदान करने के लिए उसे पुणे, मुंबई, दुबई नहीं जाना चाहिए, उसको यहीं पर कुछ हम लोग रोज़गार दें। और उसमें भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो स्वरोजगार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच है, जो लगभग ODOP के साथ जुड़ी हुई है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सेंटर खड़ा कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, जो भी श्रोता हैं आप लोग आइए, आपका स्वागत है बरपार में। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है देवरिया से, बहुत बड़ा सेंटर है और विशाल का वटवृक्ष है। वटवृक्ष में ब्रह्म भगवान का आप दर्शन करिए और उसके बाद स्वरोजगार और रोजगार का नारा लगाइए, हमारे साथ चलिए। तो ये सकारात्मक एक सोच है, जिसमें मेरा भी ये शुभकामनाएँ हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे इस ज़िले को लेकर है, 7 विधानसभा सीटें हैं, कितने आश्वस्त हैं? मेरे हिसाब से 7 आश्वस्त हैं। एक दो जगह टक्कर है, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा कहाँ टक्कर है, लेकिन मेरे हिसाब से जो तंत्र भाजपा ने खड़ा किया है अद्वितीय है। तंत्र ही नहीं, जो सोच भाजपा ने खड़ी करी है, जिसमें देश बनाने और निर्माण की भावना है, वह जनता जनार्दन में घुस गई है, वह चाहती है। और ऐसे सशक्त नेता जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उसके साथ हम लोग चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे शशांक मणि त्रिपाठी जी, और इन्होंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे इस ज़िले में भाजपा मजबूती से अपना दावेदारी जो है वो पेश कर रही है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।